एवरीवन, कैसे हैं सब फ्रेंड? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने बार बार कमेंट कर रहे थे फ्रेंड कि मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूं, मॉर्निंग रूटीन मतलब। तो मैं आज मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूं। अभी मॉर्निंग के बजे है 8 फ्रेंड, और मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ के आई हूँ। अधिकतर स्कूल छोड़ने मैं ही जाती हूँ फ्रेंड, और मेरे हस्बैंड अगर रहते हैं तो वो जाते हैं, और लेने के लिए मैं जाती हूँ, तो कोई भी अवेलेबल जो भी हो। लेकिन ज़्यादातर ड्यूटी मेरा ही रहता है लाने और ले जाने का बच्चे का। तो उसको अभी मैं टिफिन विफिन रेडी करके दे दी हूँ, और वो स्कूल चला गया है। अब आने के बाद, स्कूल से आने के बाद फ्रेंड मैं अपना जो चाय वगैरह है उसे चाय बना के पहले पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद फ्रेंड मैं जो भी मेरा किचन पाटा जो फैला हुआ है, सबरे ही हड़बड़ी इतना रहता है फ्रेंड, क्योंकि छोड़ने के लिए भी जाना पड़ता है, तो अपने को भी थोड़ा सा तैयार होना पड़ता है। और किचन जो है एकदम जल्दी जल्दी, मतलब मैं 5:30 बजे उठती हूँ, और बनाते बनाते बच्चे को उठाते बनाते ये सब करते करते एकदम, मतलब चाय पीने का बिल्कुल टाइम नहीं रहता है फ्रेंड। एक अपने लिए एक कप पानी पीने का टाइम नहीं, तो चाय भी वैसे ही होता है। तो बस आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैं चाय बना के पी लेती हूँ, और उसके बाद नाश्ता नहीं करती फ्रेंड। कभी कभी भूख लगता है तो रोटी भी बना के कभी कभी खा लेती हूँ, और नहीं तो मैं साफ सफाई करने के बाद फिर से रोटी बना के खाने के बाद एक फिर चाय पी लेती हूँ। तो अभी फिलहाल चाय पी के किचन पाटा को ठीक करूंगी और गैस वगैरह पोछूंगी। तो आप लोग बार बार बोल रहे थे कि मैं शेयर करूँ, तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना जो मॉर्निंग रूटीन है। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए फ्रेंड, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर मेरे मेरे वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड, और आगे शेयर भी कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए फ्रेंड। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मेरा चैनल आगे नहीं बढ़ सकता, तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि सपोर्ट करने में कोई आपको चार्ज नहीं लगता फ्रेंड, सिर्फ एक शेयर करना पड़ता है। और शेयर सभी सही शेयर करना और सब्सक्राइब करना ये सब फ्री होता है फ्रेंड, तो प्लीज जरूर कर दीजिए फ्रेंड। और आपको मेरे चैनल में ऐसी अलग अलग टाइप की वीडियो देखने को मिलेगी फ्रेंड, जैसे कि रेसिपीज है, सीजी का रेसिपीज है, या यूनिक रेसिपी है, बहुत सारी यूनिक रेसिपी है। मैं प्लेलिस्ट तैयार करती हूँ फ्रेंड आप लोगों की सहूलियत के लिए। आप लोग को जिस टाइप की वीडियो पसंद है आप वो प्ले लिस्ट हम जाके देख सकते हैं। रेसिपीज में भी अलग अलग प्ले लिस्ट है, जैसे भाजी का रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है, और ब्लॉग अगर आप देखना चाहते हैं मेरा तो ब्लॉगिंग का भी है, और भी बहुत सारे रेसिपीज है फ्रेंड, हेयर केयर का रेसिपीज है। तो वीडियो है जो आप देखना चाहे वो देख सकते हैं। आपको सहूलियत के लिए मैं प्लेलिस्ट तैयार करके की हूँ, तो जरूर देखिए। और मेरे बेटा आज स्कूल गया फ्रेंड, तो मैं नाश्ते में बनाई थी पराठा और बनाई थी सरसों का साग। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं फिलहाल चाय पीती हूँ, फिर मैं आपसे जो मैं किचन का जो काम करूंगी वो आपसे मैं शेयर करूंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा चाय। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का दिन है फ्रेंड। चाय पियोगी थोड़ा सा फ्रेशनेस लगता है, फिर बाकी काम के लिए एनर्जी मिलता है। सभी ने थोड़ा सा रसोई को ठीक ठाक करके मैं नाश्ता बनाऊंगी, और फिर नाश्ता खाएंगे। तो मैं आज टिफिन में बनाई थी फ्रेंड सरसों का साग और पराठा बनाई थी। मक्के का आटा लेने गई थी फ्रेंड कल शाम को, पर मैं नहीं मिला तो पराठा ही बना दी हूँ। लेकिन सरसों का जो साग है फ्रेंड, एकदम पराठा के से अच्छा जब मक्के की रोटी के साथ खाते हैं तो एकदम ज्यादा स्वादिष्ट लगता है फ्रेंड, लेकिन नहीं था तो मैं पराठा में ही काम चला ली हूँ। अब देखती हूँ मार्केट अंदर शायद मिल जाए, मैं यहीं पर आसपास मार्केट में ही गई थी, क्योंकि ज्यादा दूर मैं नहीं जाती हूँ, तो नहीं मिला है। या तो फिर मिस्टर का जिस दिन रेस्ट रहेगा तब जाके लेके आऊंगी मक्के का आटा, बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड। उससे उसका भी 2-3 डिश मैं शायद डाली हुई हूँ मेरे चैनल में, जरूर चेक कीजिएगा। उसके बड़े वगैरह बना के डाली हुई हूँ। तो चलिए फ्रेंड, अभी चाय पी लेती हूँ, फिर मैं आपसे फिर बात करती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैं चाय खत्म कर दी हूँ, अब चलिए चलती है गैस की तरफ। गैस को साफ करना है, किचन पाटा को ठीक करना है, तो मैं कैमरा यहीं पे फिट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरा जो किचन जो फैला हुआ है उसे पहले मैं ठीक कर लूंगी, जो भी सामान इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो रखा है उसे उसके जगह में रख के फिर किचन पाटा को साफ करूंगी, गैस को साफ करूंगी। तो ये पानी बॉटल छोटा वाला ले जाता था, तो आज इसका जो ग्लास है थोड़ा ज्यादा टाइम रहेगा फ्रेंड, तो आज बड़ा वाला बॉटल दी हूँ। ये जो थर्मस है तो छोटा वाला थर्मस को अंदर कर देती हूँ, और बड़ा थर्मस यहाँ उसे पानी दे दी हूँ, क्योंकि थोड़ा ज्यादा देर है तो पानी ज्यादा जरूरत पड़ेगा बच्चे को। और ये उसका प्रोटीन पाउडर है, ये हेल्दी है फ्रेंड, तो यहीं पे जल्दी जल्दी रखी थी। और ये देखिए मेरा शक्कर, चाय पत्ती, नमक भी यहीं पे रहता है, तो साफ करने के टाइम इसको मैं ऊपर रख देती हूँ। कि मेरा हाइड्रोलिक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ फ्रेंड, इसलिए इसको हाथ से ऐसा पकड़ना पड़ता है। ये जो है शायद छोटा हो गया है, छोटा साइज लाके किया है, ये पकड़ नहीं रहा है, तो जब कारपेंटर आएगा तो फिर उसको बड़ा साइज लाके फिट करना है, तो इसलिए हाइड्रोलिक का काम मेरा को हाथ से करना पड़ता है, इसको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लोड शायद नहीं ले पा रहा है वो जो हाइड्रोलिक वाला जो है। गिलास वगैरह यहीं पे रखती हूँ फ्रेंड, यहाँ पर मैं
ग्लास कटोरी यहाँ पर कटरे में, और जो धोने का सामान है उसे यहाँ बेसिन में डाल दूंगी जिसे धोने में इजी पड़ेगा। चौकी बेलना को भी यहीं पे डाल दूंगी, चौकी बेलना चिमटा जो रहता है मेरा यहीं पर, ये वाला जो तराजू है उसे मैं डाल के रखती हूँ जिससे कि सभी सामान मुझे यहीं पर मिल जाता है। मेरे मिक्सी का जार वगैरह है उसे यहाँ पर रखती हूँ, और ये हॉट पॉट है इसमें जो मिर्ची बनाई थी वो बचा हुआ है तो इसको यहीं पर रख देती हूँ। ये मेरा ट्राइपॉड है इसको रख देती हूँ दूसरी जगह। पेपर बिछा के बेलती हूँ कि जो भी आटा है वो नीचे गिरने से क्या है चिपक जाता है, तो थोड़ा सा भिगा के साफ करना पड़ता है, तो पेपर फोल्डर डाल देती हूँ तो पेपर पर ही आटा गिरता है तो नीचे साफ रहता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड ये साफ रहता है अगर हम पेपर यहाँ बिछा देते हैं तो, फिर साफ और जो आटा है सूखा वाला है नहीं तो पानी वानी गिरता है तो गीला हो जाता है तो सूख जा रहता है, तो पानी डाल के साफ करना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पेपर बिछा काम करती हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है। और वहां पर मेरा गैस वैस रखा हुआ है तो ये देखिए अब गैस को भी पोछेंगे फ्रेंड, रोटी वोटी बनाई थी तो अभी मैं चाय बस का बर्तन यहाँ पे रहता है फ्रेंड सवेरे चाय का, और बेटा के लिए जो नाश्ता बना देती हूँ तो वो कढ़ाई वढ़ाई को मैं बाद में खाली करती हूँ फ्रेंड, और अभी सिर्फ चाय और पानी बस का जो बर्तन वही साफ करूंगी गैस को साफ करने के बाद, और बाकी जो बर्तन उसे बाद में करती हूँ, और बाकी जो रात वाला बर्तन रहता है फ्रेंड वो रात को ही कर लेती हूँ क्योंकि सवेरे टाइम नहीं रहता है, सब्जी वगैरह बनाना रहता है टिफिन वगैरह, तो बाकी बर्तन साफ कर लेती हूँ पर जमाई नहीं रहती हूँ, अभी सभी को जमाऊंगी क्योंकि पानी झटने के लिए उसको रख दे रहती हूँ बर्तन जाली में, और फिर अभी जब फ्री होती हूँ तो सभी को उसकी जगह में डाल दूंगी। तो चलिए फ्रेंड अभी मैं किचन पाटा को साफ करती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड, पोंछने के बाद कितना साफ हो जाता है ये जो व्हाइट वाला जो है, और ये गैस भी साफ हो गया है। अब वहाँ पर बस थोड़ा सा जो बर्तन है ये देखिए भैया फ्रेंड, इसे बस धोना है। तो चलिए फ्रेंड मैं धो लेती, फिर आपसे फिर बात करती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, सबको धो ली हूँ, बाद में इसमें लगा दूंगी। अभी मैं गैस किचन को साफ करती हूँ, तो किचन में मैं सोच रही हूँ वैक्यूम क्लीनर से कैसे साफ करती हूँ आपको दिखा देती हूँ। तो अभी वैक्यूम क्लीनर से किचन को साफ कर लेती हूँ, फिर से पोछा लगाना रहेगा फ्रेंड, झाड़ू लगाने जरूरत नहीं पड़ेगा। ये था फ्रेंड मेरा अभी सफाई का रूटीन। अब मेरा पोछा भी हो गया है फ्रेंड, और किचन भी साफ हो गया है। अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, उसके बाद आके मैं बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि सिर्फ सब्जी तो मेरा बन गया है, बस गर्मा गर्म रोटी बना के ही खाना है। तो चलिए मैं आपसे फिर बाद में मिलती हूँ।